कहते हैं कि सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के पाँव में ना बड़ी खुजली होती है, क्यों? क्योंकि एक जगह टिक के बैठते नहीं हैं, क्योंकि मुस्तकबिल पे इनकी नज़र है। और अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों की नज़र भी आप पर हो, लोग भी आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, आप पर तवज्जो दें, तो आप लेकर पहन सकते हैं अपने हाथ में पीला पखराज यानी येलो सैफायर। ये एक ऐसा स्टोन है जो आपके लिए बेपनाह फ़ायदे लेकर आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी हौसलामंदी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आपकी शख्सियत में निखार के हवाले से। लेकिन वो कौन सी ऐसी कंडीशन है आपके जायचे के अंदर, जुपिटर की प्लेसमेंट का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सजिटेरियस असेंडेंट वाले अगर अपना जायचा देखें तो आपके जायचे के पहले घर में अगर जुपिटर मौजूद है तो यहाँ पर दिशा बल भी है, पंच महापुरुष योग की कंडीशन में भी है, तो आंखें बंद करके यहाँ पर आप इसका स्टोन पीला पुखराज लेकर पहन सकते हैं, फ़ायदा देगा। और अपने से एक घर आगे अगर जुपिटर मौजूद हो जायचे के दूसरे घर में, तो यहाँ पर आप इसका स्टोन लेकर नहीं पहनेंगे, क्योंकि हबूत का पैसा ही नहीं आएगा, ना घर वालों से बनेगी, ख़ानदान वालों से नहीं बनेगी, लब लहजे में तलखी, नीच का हो गया वस्त कंडीशन में। जुपिटर अगर जायचे के तीसरे घर में मौजूद है तो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी आप लेकर नहीं पहनेंगे, फजूल की मेहनत को एक्टिव रखेगा। जुपिटर अगर जायचे के चौथे घर में मौजूद हो तो यहाँ पर आप इसका स्टोन बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, ओन साइन का पंच महापुरुष योग की कंडीशन में, बहुत अच्छा। जायचे को नॉर्मल से अबव कर दिया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी अच्छी सी खूबसूरत सी गाड़ी भी आपको मिल जाएगी, घर भी खूबसूरत होगा। जुपिटर अगर आपके जायचे के पाँचवें घर में है तो यहाँ पर इसका स्टोन आप बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, बेटे का योग बनाएगा, मोहब्बत में फ़ायदा देगा, इनाम लॉटरी पता नहीं क्या कुछ निकल आएगा आपका। जुपिटर अगर जायचे के छठे घर में हो तो यहाँ पर इसको मिलता है केंद्राधिपति दोष, दोषी हो गया, ख़राब हो गया। तो दो घरों को के नौवें घर को और चौथे घर को, सॉरी पहले घर को और चौथे घर को इसने ख़राब कर दिया, दो केंद्र के घर ख़राब किए। तो कभी भी आप इसका स्टोन छठे घर में लेकर मत पहनिएगा। जुपिटर अगर आपके जायचे के सातवें घर में है तो यहाँ पर आप इसका स्टोन बिल्कुल लेकर पहने, आपका जीवन साथी बड़ा नेक होगा, खूबसूरत होगा, रिलेशनशिप में आसानी, जुपिटर वैसे ही पैसा और रोज़ पैसे लेकर आएगा। जुपिटर अगर जायचे के आठवें घर में हो तो यहाँ पर कभी गलती मत कीजिएगा, आपको कोई भी कम अकल एस्ट्रोलॉजर ये कह देगा कि मुश्तरी यहाँ पे शर्फ का है, उच्च का है, इसका स्टोन लेकर पहने, लेकिन भाई ये भी तो देखें कि ये नहस घर में इसको शर्फ मिला, तो कभी भी यहाँ पे इसका स्टोन मत लेकर पहनिएगा, खराबी है। मुश्तरी अगर आपके जायचे के नौवें घर में है तो आप बिल्कुल इसका स्टोन लेकर पहने, नसीब मुकद्दर वक्त आपका बेहतर कर देगा। मुश्तरी अगर आपके जायचे के दसवें घर में हो तो यहाँ पर भी आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, आपके करियर में बेहतरी पैदा करेगा, ज़ाती कारोबार बिजनेस में ग्रोथ तरक्की। जुपिटर अगर आपके जायचे के ग्यारहवें घर में मौजूद है तो यहाँ पर आप इसका स्टोन बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, बेपनाह धन दौलत पैसा आपको देगा, नवाजेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जुपिटर अगर आपके जायचे के बारहवें घर में हो तो यहाँ पर इसका स्टोन कतन लेकर मत पहने, केंद्राधिपति दोष, खराब, नहस, खर्चा बढ़ जाएगा। कि जुपिटर अगर आपके जायचे के पहले घर में है, चौथे घर में है, पाँचवें में, सातवें में, नौवें में, दसवें में और ग्यारहवें में मौजूद हो तो आप इसका स्टोन पीला पुखराज लेकर पहन सकते हैं। लेकिन अगर जुपिटर दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें घर में मौजूद हो तो आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना। अगर इन ख़राब कंडीशंस में जुपिटर कम्बस्ट है, अस्त है, गरूबियत का शिकार है सन की वजह से, तो फिर आप इसका किसी भी हालत में स्टोन लेकर पहन सकते हैं।